खबर से बाखबर हमारी है सब पे नजर एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज 13 अगस्त 2017 का पहला हज का काफिला हैदराबाद से रवाना हुआ। नायब वजीर आला जनाब महमूद अली साहब ने आज हरी झंडी दिखाकर पहले काफिले को रवाना किया। इस मौके पे डिप्टी मेयर बाबा फैसुद्दीन के शुकुर हज स्पेशल ऑफिसर मिनोरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। कामयाब रहा है फार्म्स की इजराइल से लेकर वैक्सीनेशन कैंप मुख्तलिफ मराइल से हम लोग गुजरे तमाम आदमी की खिदमत के लिए तेलंगाना अलहमदुल्ला तेलंगाना को और खासतौर पर हैदराबाद इम्बारगेशन पॉइंट को ये एजाज हासिल है कि सियासत से 3 रियासतों के आदमी रवाना हो रहे हैं, रियासत तेलंगाना, रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत कर्नाटक के 5 अजला के आदमी हैदराबाद इम्बारगेशन से इंशाल्लाह ताला रवाना होंगे। आज पहली फ्लाइट है 2:55 पर। इसी तरह मुसलसिल हमारे 15 फ्लाइट से सऊदी एयरलाइंस के और वापसी 15 फ्लाइट के आदमी के भी इंशाल्लाह मदीने मुनव्वरा से हैदराबाद की होगी। न सिर्फ हैदराबाद में हजौद में बल्कि हज टर्मिनल पर भी बहुत से इंतजाम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में की जानिब से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हुकूमत तेलंगाना की सरपरस्ती में महकूम अखिलती बहबूद की जानिब से इज्जत माम जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब शेख नशीन पर तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और मेरे साथी एमएलसी हजरात चेयरमैन और सेंट्रल हज कमेटी के जिम्मेदार और सेक्रेटरी माइनॉरिटी डॉक्टर उमर जलील साहब और स्पेशल बड़ा खुशी का दिन है। ये मेरी सोच है क्योंकि एक इंसान की सोच ये हो सकती है कि अल्लाह ताला अगर उसकी जिंदगी में अगर उसको हज का मौका अता कर दिया तो उससे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई और नहीं हो सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभानहु ताला ने आप लोगों की दुआएं सुन लिया और आज लब्बैक कहने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। और खास तौर से जब इंसान घर से निकलता है और हज की नियत से निकलता उसके बाद एहराम बांधता है तो उसकी कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है कि कब कब मैं प्लेन में बैठूं और कब जाके उस बारगाह का उस काबतुल्लाह की जियारत करूं ये सोच और फिक्र होती है। जैसे ही ये बात सुनते हैं बहसियत खादिम ये गुनागार को भी वो सीन याद अल्लाह ताला आप लोग जरूर ब जरूर अपने सफर के लिए जाइए और खास तौर से यही सोच के जाइए कि हज एक मामूली चीज नहीं है। इंसान के लिए हज एक ऐसी चीज है जिसके लिए तकलीफ भी आते हैं मगर मुझे आपसे दरख्वास्त ये कर रहा हूँ अक्सर पेशो ये होता है कि मुझे भी अल्लाह सुभानहु व तआला ने सबसे पहले हज का जब मौका 1996 में दिया तो मैं भी हज कमेटी से हज के लिए रवाना हुआ। जब बेंगलुरु से जाता था काफिला वो टाइम पे गया। अक्सर हमारे हाजियों की सोच ये होती है यहाँ से तो बड़ा खुशी खुशी जाते हैं वहां जैसे ही पहुंचते ये सहूलत नहीं मिल रही वो सहूलत नहीं मिल रही
हमारे मुखानी एम एल ए जाफर हुसैन मीरा साहब और हमारे चेयरमैन और एम एल सी सलीम साहब, हमारे फारूक भाई साहब हमारे एम एल सी और अकबर हुसैन साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन डिप्टी मेयर फैसुद्दीन बाबा साहब और मौलाना यूसुफ जाले साहब चेयरमैन खादी बोर्ड और हमारे कॉर्पोरेटर ममता बेगम और हमारे शुकुर साहब ने फोन पर कहा कि यहाँ पर जो टैंक है उसमें काफी पानी जमा हो चुका था, बहुत कचरा जमा हो चुका था, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। जब यहाँ के कार्पोरेटर से बोला गया तो उन्होंने फौरन उसकी सफाई की। तमाम भाइयों तमाम प्यारे साथियों, हज का पांचवा फर्ज है, इसको अदा करना हर एक का फर्ज है। बड़े वो लोग खुश नसीब है जिसका हज कमेटी में ड्रा में नाम उठता है या टूर्स एंड ट्रैवल से भी जाते हैं, मगर जो हज कमेटी से जाते हैं हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। और हमारे आदरणीय सीएम साहब ने खासतौर से हाजियों की खिदमत के लिए बहुत सख्ती से हिदायत देते हैं। हाजियों की जो खिदमत करते हैं यकीनन वो लोग किस्मत वाले हैं और जो हज पर जाते हैं वो बहुत से ज्यादा किस्मत वाले हैं। उन्हीं का ड्रा होता है जिसको प्यारे नबी याद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भुलाता है। आज एक पांचवा फर्ज है जिसको मुकम्मिल करने के लिए काफी जद्दोजहद करने के बाद यह फर्ज मुकम्मिल होता है, क्योंकि इसके लिए काफी रकम का खर्चा होता है। तेलंगाना हुकूमत हाजियों के इंतजाम के लिए 3 करोड़ रुपए हज कमेटी को अलाट किए कि हाजियों के अच्छे से अच्छे इंतजाम किए हैं। हम यही चाहते हैं कि हाजी अल्लाह के मेहमान है, उनका जितना हम हुकूमत की तरफ से जितनी खिदमत कर सके उसे हम कम से कम समझते हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट पर भी इस मतलब काफी अच्छे इंतजाम है, आज लोग वहाँ पर बैठने के लिए नमाज पढ़ने के लिए आज हजरा को छोड़ने लोग आते हैं, उनके ठहरने के लिए काफी इस मतलब बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। और यहाँ पर भी हमेशा की तरह और इस साल ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तमाम हाजी भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह आपने अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला आपका सुकून फरमाए, आपका सफर आसान करे। आज बहुत से लोग आप लोगों को विदा करने के लिए आए और जो लोग वॉलंटियर से काम कर रहे हैं, सीएम साहब इससे पहले एक बात कहे थे कि जो लोग हज को जाते हैं वो तो पूरे पूरे सवाब के हकदार होते हैं, पर जो उनकी खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी हज के बराबर सवाब देता है। यही बात हम लोग अमृता में जब वहां के रुबात के जो इंचार्ज है हुसैन शरीफ साहब से मैंने यही बात कही थी कि हमारे सीएम साहब एक नॉन मुस्लिम होते हुए इतना बड़ा जज्बा रखते हैं कि जो हाजियों के साथ जो खिदमत करते हैं उन्हें अल्लाह हज के बराबर सवाब देता है। फिर आप 2 बरस 3 बरस से रुबात में जगह क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह से आपका और यहाँ के लोगों का इख्तियार है? तो उन्होंने उसी अगर अपने बात मानते हुए 600 हाजियों का उन्होंने फोरकास्ट किया था कि हम 600 हाजी के हाजियों को पूरा अकोमोडेशन फ्री देंगे, 3 टाइम का खाना फ्री देंगे और उनके कपड़े धोकर इस्तेमाल करके भी देंगे। और अल्लाह के फजल से बढ़ते बढ़ते 3 साल में इस साल 1284 हाजी हज के लिए जा रहे हैं। हमारे हज कमेटी के तैयबा मैडम भी आए और हमारे सदर हज कमेटी के चेयरमैन साहब भी आए, सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर हाजियों का अकोमोडेशन के लिए निजाम सरकार ने रुबात बनवाए थे। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में 4-5 साल में वहाँ पर और भी रुबातें हमारे बचे हुए हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। तो पूरी हज यात्रा को जितने ठेकेदारे से जाते हैं या हमारे हज कमेटी के थ्रू जाते हैं उनके पूरे का अकोमोडेशन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसमें भी कामयाब होते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, वो बात कहता हूँ कि आप अल्लाह से जरूर दुआ कीजिए, जब आपकी नजर कामयाब हो बनेगी मदीना शरीफ में जाएंगे सरकार से सलाम पेश होंगे तो सबसे पहले अपने लिए दुआ कर लीजिए, अपने खानदान के लिए दुआ कीजिए। सारी दुनिया में मुसलमान इंतजार का शिकार है, उनके लिए दुआ कीजिए, उन सब में अल्लाह ताला इत्तेहाद पैदा करे। और अपने वतन के लिए दुआ कीजिए, खासतौर से हमारे स्टेट के लिए दुआ कीजिए, तो हमारे स्टेट बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को अच्छा रखे, उनके लिए दुआ कीजिए और तमाम हमारे पास जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उन सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला والنعمة لك الملك لا شريك لك.
الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك من واجد كسات مايش شيخ شاهد اشن تي في نيوز حيدرآباد